अब ना एक यहाँ पे खींचियो। अरे यार मेरे सारे जूते खराब हो गए, इतने महंगे जूते हैं यार। ओए क्या कर रहे हैं आप लोग, खेत में से निकल गया, फसल बर्बाद हो रही है पूरी। देख रहे हो इसे, ये मामूली सा मजदूर यहाँ पे सिर्फ काम करने आता है। एटीट्यूड देख रहे हो, जैसे इसके खेत हो। तुम ना अपने काम से काम रखो और हमें अपना काम करने दो, समझ आई? मैडम मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप दूसरों की फसल क्यों बर्बाद कर रही हैं? खेत में से निकलिए, आप किसी की मेहनत को समझती भी है कि नहीं? अबे ओ ज्यादा ज्ञान मत दे, तेरी फसल तो नहीं है ना। अरे बेबी रहने दो, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन जैसे मजदूरों को ना सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। अभी 2-3 हजार रुपए से मुंह पे फेंक के मारूंगी ना, अभी मुंह बंद हो जाएगा इसका। तू बता तेरे को कितने पैसे चाहिए, यहाँ पे ज्ञान मत दे फालतू का। सुनिए मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप रुकिए। हाँ आजा, डरते हैं क्या अंदर से, हम भी तो देखे क्या कर लेगा। चलो जी बताइए। हाँ भाई कितने पैसे चाहिए, जितने पैसे बोलेगा ना उतने पैसे मिल जाएंगे, पर हमसे बकवास मत कर। और ये फसल तू बाजार में बेचने जाएगा भी ना तो कितने कमा लेगा, 500-600 रुपए? मैं तुझे 4,000 रुपए दूंगी, तेरे को 4 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, अब बोल। देखिए मैं आप लोगों से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं ना तो वो फसल खराब हो रही है आपके पैरों से। आपको फोटो ही क्लिक कराने हैं ना, आप साइड में जाके खड़े हो जाए, वहाँ पे फोटो क्लिक करा ले, अच्छी फोटो आ जाएगी, बस यही तो कह रहा हूँ मैं। इन जैसे छोटे लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, अमीर लोग देखे नहीं खुददार बनने लगते हैं, मेहनत के पैसे कमाएंगे। अबे ओ अभी तेरे को 10,000 बोलूंगी ना तो ऐसे पैरों में गिर जाएगा तू अभी। देखिए चाहे कोई मजदूर हो या कोई खेत का मालिक ही क्यों ना हो, आप लोगों को ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये मेरे ही खेत है। बहुत अच्छा जोक मारा तूने, मतलब तूने कह दिया कि ये तेरे खेत है तो हम मान ले कि ये तेरे खेत है ना? और अगर तेरे खेत है भी तो तूने मजदूरों को क्यों नहीं रख रखा, तू खुद क्यों फसल बो रहा था, अपनी शक्ल देखी आईने में? और तेरे को पता है जमीन का रेट क्या है, तेरी औकात से बहुत ज्यादा भार, बड़ा तेरे खेत है। और इतना ऐड किससे रहा है, हम फोटो ही तो क्लिक कर रहे थे ना, पैसे ले और अपना काम स्टार्ट कर, हमें भी अपना काम करने दे। अरे तुम इससे क्यों बहस कर रहे हो, चलो ना फोटो क्लिक कराते हैं। और सुन अब ना खेतों के बीच में खड़े होकर फोटो क्लिक कराऊंगी, अगर तुझसे जो होता ना तू वो कर लियो। और हाँ तेरी फसल खराब हो रही थी ना, एक सेकंड। देखिए मैंने बोला ना कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आप लोगों से, आई बात समझ? ये ले तेरी औकात से ज्यादा ही दिया, चलो। और किसान जी चल रही है खेती। अरे वर्षा तू यहाँ पे, अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुम जानती हो गरीब दी इसे? हाँ ये मेरे कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और अब देखो इसे ये क्या हालत बना रखी है तूने। कैसी है रिद्धि, बड़े दिनों बाद दिखी है, और यहाँ पे कैसे? अरे वर्षा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये तूने हालत कैसे बना रखी है अपनी, एकदम भैंजी लग रही है यार, कॉलेज में तो तू ऐसी नहीं थी। तू भी ना आज भी कपड़ों को देख के जज करती है, तुझे शायद बता दूं मेरी ना शादी हो चुकी है। अरे वर्षा शादी तो मेरी भी हो गई है और ये रहे मेरे हस्बैंड, पर मुझे देख के कहीं से लग रहा है तू अपना हुलिया देख यार, क्या ये साड़ी पहन के क्या गांव के गंवार से बनी हुई है यार। रिद्धि बस बहुत हो गया, तू तो आते ही इंसल्ट करने लगी। अरे बस भी कर यार, अभी भी तू पहले ही जैसी है, कॉलेज में लोगों को जज करती थी ना उनके पैसों के ऊपर, उनके पहनावे के ऊपर, अभी भी वैसी ही है। मुझे लगा तो कुछ और पूछेगी कि तेरा पति कैसा है, क्या कर रही है तू आजकल, पर नहीं। एक सेकंड, अब तू ये मत बोलने लगी हो कि ये तेरा पति है। हाँ ये मेरे हस्बैंड है। वर्षा तू पागल हो गई है क्या, मेरे को तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा यार तेरी बात पे, तू कॉलेज में कैसी थी यार, इतने लड़के तेरे पीछे पागल थे जस्ट बिकॉज ऑफ योर ड्रेसिंग सेंस, अब तूने क्या पहन रखा है? और अगर साड़ी पहननी थी तो ढंग से पहन लेती, ये क्या बन रखी है यार। रिद्धि बस बहुत हो गया, तू तो आते ही इंसल्ट करने लगी। अरे बस भी कर यार, अभी भी तू पहले ही जैसी है। देख वर्षा मैं ऐसी ही हूँ, और हम ना शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते,
शहर में ना ये ड्रेसिंग सेंस चलता है, जो तूने पहना है वो नहीं चलता है। और तुझे अच्छे से पता होना चाहिए शहर में ना ये साड़ी सूट बिल्कुल नहीं चलता है। और अगर तुमने साड़ी सूट पहना है ना तो दूसरे तो जज करेंगे ही। और तुझे सच बताऊं तू अभी ना बिल्कुल भैंजी लग रही है, और मुझे तेरे पे बहुत हंसी आ रही है लिटरली। बस बहुत हो गया, तब से देख रहा हूँ तुम बोले जा रही हो। अरे इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं होती। मैं तब से चुप इसलिए था, मेरी बेइज्जती कर रही थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा क्योंकि ये बेइज्जती अब तुम मेरी वाइफ की कर रही हो। और ये तुम दोनों ने क्या गवार गवार लगा रखा है? हमारी जानकारी के लिए बता दूं, ये यहाँ की IPS ऑफिसर है। क्या? So you have to respect her, understand? ये IPS ऑफिसर है, वर्षा, ये सच बोल रहा है? जी हाँ, मैं एक IPS ऑफिसर हूँ। तब से मैं तुझे यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर तूने क्या किया? तूने तो जज करना स्टार्ट कर दिया, कपड़ों से, पैसों से, है ना? रिद्धि, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। जब मैं तुझे तेरी ड्रेसिंग सेंस पे कुछ नहीं कह रही, तू कुछ भी पहन, तो तेरा भी कोई हक नहीं बनता किसी की ड्रेसिंग सेंस पे कुछ बोलने का। और तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मामूली से कोई मजदूर नहीं है। और अगर मामूली से मजदूर होंगे भी ना, तो तुझे कोई हक नहीं बनता किसी की ऐसे इंसल्ट करने का। ये यहाँ के पद अधिकारी है, और जितने भी खेत देख रही हो ना अपने आसपास, ये सारे खेत इन्हीं के। सॉरी वर्षा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तू IPS ऑफिसर बन गई है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सारे खेत इनके हैं। मैं इनसे क्यों बदतमीजी करती, तू खुद सोचना, अगर मुझे ये सब पता होता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तुम दोनों को। और प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पता नहीं बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। सॉरी सर, हमने बहुत बदतमीजी की आपके साथ। रिद्धि देखा, तेरी सोच और मेरी सोच में यही अंतर है। तू माफी भी इसीलिए मांग रही है क्योंकि तुझे पता चल गया है कि मैं एक IPS ऑफिसर हूँ और ये सारे खेत मेरे हस्बैंड के हैं। और अगर मान ले इनकी जगह या मेरी जगह कोई मामूली सा मजदूर या हाउसवाइफ होती, तू तो उनकी ऐसी इंसल्ट करती, है ना? सच कह रही हूँ ना? खैर छोड़, तुझे समझाने का ना कोई फायदा नहीं है, और हम लोगों को तेरी माफी की कोई जरूरत नहीं है। तू अपनी माफी अपने पास रख। और मुझे ना अफसोस हो रहा है कि तू कॉलेज टाइम में मेरी दोस्त थी, और तू जब इतने साल में नहीं बदली, अब मेरे समझाने से क्या ही बदल जाएगी। तो तू बस जा यहाँ से। वर्षा, मैं तेरी बात समझ गई, और हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दियो। मैं आज के बाद किसी को भी ऐसे जज नहीं करूंगी, और ना किसी से ऐसे बदतमीजी करूंगी। आप भी ना बहुत सीधे हैं, आपने इन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? खामोखा सुन रहे थे। खैर छोड़ो, अपना मूड खराब नहीं करते, खाने का टाइम हो गया है, ड्राइवर वेट कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं। पता नहीं आजकल के लोग खेतीबाड़ी को कुछ समझते ही नहीं।